सही रेट ना मिलते किसानों ने सड़कों ते खिलारे किनू दुखी किसानों ने सरकारां नू कोसिया किनुआं दा सही ना भा मिलने कारण किसानों ने सड़कों उत्ते किनू खिलार के उत्ते ट्रैक्टर चला दिते। किसानों का कहना कि सरकार उन्हां नू वापस मुल नहीं दे रही जिस कारण उन्हां नू मजबूर हो के किनुआं नू सड़कों ते खिलारना पिया है तां जो अपना रोस जता सकीए। दिखाउंदे हां तुहानू विशेष रिपोर्ट। प्रदर्शन होने वर्ल्ड च रहिंदी चर्चा होगी पर उन्दी जिहड़ी होगी फिर दुनिया वेखेगी। की मसला की है जी, क्यों पहुंचे जे अज इत्थे जी? इह साडे जिहड़े भ्रिष्ट बदला वाली सरकार है निकम्मे आ 92 लै आंदे ने अही चुण के महाराजे जिहड़े अंग्रेज सरकार दे साडे अफसर ने जिहड़े साडा ख्याल नहीं करदे इन्हां दा नतीजा भुगतदे पए। किसानी अज जिहड़ियां दे खेती विभिन्नता लियाओ एक साल दी फसल होवे ते आ तुहाडे सामणे अही इत्थे प्रदर्शन होंदे इत्थे सड़क ते इहदा जूस कढ़ांगे मरण वाले हालात होणगे। की फैसला की लिया आ बस हुण इत्थे तुहाडे सामणे हुणे लैण वाले किन्ने वजे तुरे सी किन्नियां औकड़ां आईयां ने जी इत्थे पहुंचे देर दे चले आ 9 वजे ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੋਫੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਟੋਫੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਲਿੱਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੂਸਾਂਗੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਚੂਸਾਂਗੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟੋਫੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਗ ਆ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਜੂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 80,000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੰਨੂ ਖਪਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਖਰੀਦਣ 1.25 ਲੱਖ ਕਿੰਨੂ ਬਣਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਡਾ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਣ 1.25 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਜੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? 50-60 ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੂ ਮਾਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੇਗਾ ਹਜੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੀ ਕਿਰਾੜ ਹੈ। मैं AICC से कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ पे फाजिलका जिले का जी। और मैं कौन सी पार्टी से? मैं कांग्रेस पार्टी से आता हूँ जी। सर क्या कहोगे जो आज किसानों ने यहाँ DC ऑफिस के बाहर ये देखो पंजाब के अंदर ये सब देख के पंजाब का किसान पूरे हिंदुस्तान में उनकी अलग से एक पहचान है। पंजाब के अंदर ये हालात देख के बहुत मतलब क्या बताऊं मैं आपको, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं कि हमारे यहाँ के किसानों की ये हालात है। किसान बेचारे परेशान हैं और इनकी जो स्थिति है बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ पहले जूस की जो फैक्ट्री थी उसमें ये किन्नू जाता था, अब वो बंद हो गया है। ये लोग जो बता रहे हैं कि भाई कि यहाँ पे ये पहले तो हमें ठीक रेट मिलता था लेकिन ये बादलों के कारण और ये आम आदमी की जब से सरकार आई है तो ये इनका रेट नहीं मिल रहा है, वो बंद हो गई है। तो ये चाहते हैं कि वो जूस फैक्ट्री चालू हो, इनको किन्नू का उचित दाम मिले। नहीं पार्टी की तरफ से तो कहा जा रहा है काम अच्छा कर रहे हैं हम, बदलाव की सरकार है, बदलाव किया हमने। आप देखिए ना ये बदलाव, आप मैं आपके माध्यम से पूरा देश देखेगा, ये देखो ना बदलाव, इस तरह का बदलाव करना चाहते हो आप? रोड़े जाम हो गई है, किसान का हाल बेहाल है, किसानों ने अपना किन्नू का दाम नहीं मिल रहा है तो उसको रोड़ों पे फेंक दिया कि हम क्या करेंगे जब हमको पैसा ही नहीं मिल रहा है, सड़ रहा है उनका माल, रखा रखा उनका माल सड़ रहा है। तो ऐसे हालात हैं, ये अच्छी सरकार मुझे तो लगता नहीं है कि बदलाव करेंगे। ये बदलाव इस तरह का बदलाव करना था तो ऐसी सरकार को मैं तो लानत देता हूँ। सरकार की तरफ से बिजली के बिल माफ किए गए हैं और नौकरियां भी रोज दी जा रही हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? देखो इस देश का जो किसान है अन्नदाता, जो हमें अन्न के माध्यम से साग सब्जी फल फ्रूट हर चीज मुहैया कराता है खेतों में पैदा करके दिन रात मेहनत करके, जो उसके साथ ये हाल है तो मुझे नहीं लगता कि इस पंजाब में स्थिति सरकार की अच्छी है जी। सरकार के काम अच्छे हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया गठजोड़ के साथ है, कांग्रेस और इनका सुने में आया गठबंधन होने जा रहा है, क्या कहोगे पंजाब में अब गठबंधन चलेगी सरकार? ये देखो मैं गठबंधन के बारे में नहीं कहना चाहता, वो अलग चीज है जी। मैं तो अभी पंजाब के जो हालात है उनके बारे में कहना चाहता हूँ जी, क्योंकि सरकार की बात आप कर रहे हो, सरकार तो आप ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही रोल नहीं है यहाँ पे, ये केंद्र सरकार का भी इसमें रोल है। ये मोदी के खिलाफ भी नारे लगा रहे ये लोग, अभी आप इनसे सुनिए ये क्या कह रहे हैं।